दोस्तों संजय कंप्यूटर आपको स्वागत है। आज बायोलॉजी के हम एक चैप्टर देखेंगे जिसमें से मैं 50 क्वेश्चन लिया है जो कि न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन डिजीज एंड क्योर के बारे में देखेंगे। ये बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वीडियो को कंपलसरी एंड तक देखना क्योंकि इससे बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस अकर्स, जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है कौन सा विटामिन कमी से होता है ना, विटामिन ए। व्हिच विटामिन हेल्प्स क्लॉटिंग ऑफ अ ब्लड, जो हमारा रक्त जमाट बांधने के लिए कौन सा विटामिन में होता है ना, के। जेरो पैथलमिया इज डेफिशिएंट डिजीज ऑफ, जेरो पैथलमिया जो बीमारी है कौन सा विटामिन अभाव से होता है ना, विटामिन ए। मिल्क इज नॉट कंसिडरेड एट बैलेंस डाइट नाउ डेज बिकॉज द एब्सेंस ऑफ डैश। मिल्क को हम लोग बैलेंस डाइट नहीं माना जाए, मान नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें आयरन एंड विटामिन सी का कमी है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड वीक ऑफ टीथ, जो दांत का दुर्बल वीक होना और गम्स दांत जो माढ़ी है इसमें से ब्लड निकलना किस विटामिन से कम होता है ना, विटामिन सी। स्कर्वी इज ए डिजीज डेफिशिएंसी, जो स्कर्वी बीमारी है कौन सा विटामिन का अभाव होता है ना, विटामिन सी। एनीमिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी, जो एनीमिया कौन सा अभाव से एनीमिया होता है ना, फोलिक एसिड से अभाव से। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी चिल्ड्रेन, जो हमारा बच्चे के पास चिल्ड्रेन के पास में विटामिन डी का अभाव होता है और वही विटामिन डी अभाव से कौन सा बीमारी होता है ना, रिकेट्स। वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव व्हिच विटामिन, हम लोग जो सब्जी काटने के टाइम में क्या करते हैं ना, सब्जी को इसका जो ऊपर का जो कवर है वो हम लोग को पील कर देते हैं, बस जिसको निकाल देते हैं, छिलका को निकाल देता है, इससे क्या होता है ना, विटामिन सी का कमी होता है और विटामिन सी चला जाता है। द विटामिन दैट हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो विटामिन ए हम लोग को क्या करता है ना, प्रिवेंट हम लोग को इन्फेक्शन बॉडी, जो हमारे वायरल बीमारी बोलो वायरस बोलो, जैसे कि कोरोना का जो वायरस बोलो, इससे हम लोग को प्रिवेंट मतलब सुरक्षा देगा कौन ना, विटामिन सी। 11 क्वेश्चन चलते देखते। द विटामिन मोस्ट रेडिली रिस्टोर्ड बाय हीट, हम लोग ज़्यादा खाना को हम लोग ज़्यादा हीट देंगे तो गर्म करेंगे क्या, विटामिन लॉस हो जाएगा ना, विटामिन सी लॉस हो जाएगा। द मेटल व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व बाय बी कॉम्प्लेक्स, बी ट्वेल्व कौन सा विटामिन में है, किसको बोला जाता है कौन सा विटामिन को ना, कोबाल्ट को। केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन इज प्रिवेंटेड बाय, जो केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन का बीमारी है ये किस विटामिन से हम लोग क्योर कर सकते हैं ना, विटामिन ए। रिकेट्स कैन बी प्रिवेंट बाय, रिकेट्स जो होता है ना इसको क्या लेके ना, विटामिन डी अभाव से होता है, वो क्या लेने से क्या होगा ना, हमारा वो रिकेट्स बंद होगा ना, कैलीफेरिकोल वो विटामिन डी का होने से। ठीक है दोस्तों, ये क्या करिए, वीडियो को पॉज करके नोट बनाइए जो कि आप लोग का क्या होगा ना, पढ़ने का इजी होगा और आप लोग नोट बनाएंगे तो बाद में भी पढ़ जाएंगे। एन ए यूरिन इज अनदर नेम ऑफ डैश, एन ए यूरिन किसी बीमारी का अदर नेम है ना, विटामिन बी वन का। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन द आईज द कलर विजन अक्वर्स बाय द प्रेजेंस ऑफ डैश, तो आँख में कलर विजन का किस के अभाव से होता है ना, कॉर्न्स नहीं कहाँ पर होता है ना, कॉर्न्स में। व्हाट पार्ट ऑफ द आई गेट इन्फ्लेम्ड एंड बिकेम पिंक डस्ट गेट इनटू, ओके। व्हाट पार्ट ऑफ आई गेट इन्फ्लेम्ड एंड बिकेम पिंक, जो हमारा डस्ट पड़ने से आँख में आँख लाल हो जाता है वो कौन सा पार्ट में ना, कंजक्टिविया में। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए मैन विथ कलर ब्लाइंडनेस विल सी, जो कलर ब्लाइंडनेस है वो क्या, इसको हम लोग रेड दिखाएंगे तो इसको ग्रीन दिखा मालूम पड़ेगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। रेजर पाइन इज यूज टू, रेजर पाइन किसके लिए यूज करा जाता है ना,
रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को कम ही करने के लिए रिजरपाइन यूज करा जाता है मेडिकल में। ओके दोस्तों, इसके बाद चलते 21। ए ब्रेथ टेस्ट यूज बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूज, जो हम लोग का श्वास क्रिया चेक करा जाता है कहाँ, ट्रैफिक पुलिस में, क्योंकि ना जो ड्रिंक एंड ड्राइव में चलाते हैं वो इसके जानकारी के लिए वो चेक करते हैं। वो क्या चेक करते हैं, जो फूंकने के लिए हमको पाइप देता है कि फूंकने से इसमें क्या चेक होता है ना, पोटेशियम और नहीं सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमाइट सल्फरिक एसिड को चेक करते हैं वो लोग। टाइफाइड फीवर इज कॉज बाय, टाइफाइड फीवर किसके कारण से होता है ना, बैक्टीरिया। एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विथ, एडवर्ड जेनर को वो किसके लिए प्रसिद्ध है ना, चिकन पॉक्स बीमारी के लिए वो प्रसिद्ध है। राउंड वर्म इज ए ह्यूमन पैरासाइट फाउंड इन द डैश, राउंड वर्म के ह्यूमन का पैरासाइट है पैरालिसिस जैसा फाउंड इन, कहाँ मिलता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज वायरस, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज वायरस, मतलब डेंगू फीवर वायरस का है। फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी का फाउंडर कौन रहते हैं ना, सैमुअल हानेमन को फादर ऑफ होम्योपैथी बोला जाता है। 27 क्वेश्चन देखिए, टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, टॉक्सिकोलॉजी कौन सा स्टडी को बोला जाता है ना, पॉइजन का स्टडी को टॉक्सिकोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ टीथ, दांत का स्टडी को क्या बोला जाता है ना, ओडोंटोलॉजी। MRI स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एड्स का जो है इसका फुल फॉर्म क्या है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, 31 क्वेश्चन देखते हैं, द अदर नेम ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम क्या था, लेकोमिया। 32 विटामिन इज डिस्कवर्ड बाय, विटामिन किसके माध्यम से, मतलब कौन डिस्कवर किया था ना, पोंक ने। पावर हाउस ऑफ द सेल इस बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको सेल का पावर हाउस बोला जाता है ना, माइक्रोकॉन्ड्रिया। हुई चाहिए जो लार्जेस्ट किसी जीव का बाढ़ का क्या ना, एग जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा वो ऑस्ट्रिच एग। हुईज नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, एनिमल सेल में सबसे किसी का लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है, ओके ह्यूमन नर्व सेल में सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है। 37 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द डिजीज हुईज द शुगर लेवल ऑफ अ ब्लड इंक्रीज, किस बीमारी होने से हमारा शुगर लेवल ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, वो डायबिटीज। ओके दोस्तों, डायबिटीज इसीपीडियस। जॉन्डिस इज ए सिम्टम्स ऑफ डिजीज ऑफ डैश, जॉन्डिस किस जगह को, वो बीमारी किस जगह को होता है ना, लीवर को। द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वॉज डन बाय, जो फर्स्ट व्यक्ति जो हार्ट को ट्रांसमिशन किए थे, ट्रांसमिशन मतलब रोपण किए थे, वो थे CN बनारस। येलो फीवर इज ट्रांसपोर्टेड बाय, येलो फीवर किसके माध्यम से आ जाता है, वो एंडीज के माध्यम से आ जाता है। द वेक्टर दैट ट्रांसमिटेड कॉलरा, जो कॉलरा किसके माध्यम आ जाता है ना, हाउस फ्लाई में जो मच्छी है इसमें कारण से आ जाए। द ड्रग व्हिच हेल्प्स द कंट्रोलिंग फीवर ऑफ फीवर डैश, द ड्रग व्हिच हेल्प्स द कंट्रोलिंग फीवर, जो हमारा जो कभी बीमारी आ जाता है शरीर में, शरीर गर्म हो जाता है तुरंत, पैरासीटामोल खाने से हमारा जो फीवर कंट्रोल हो जाता है। 42 द फास्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर, जो हमारा वर्ल्ड में जो एंटीबायोटिक फास्ट एंटीबायोटिक निकला था वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्स, जो श्वास क्रिया प्रोसेस जो होता है वो चाहे तो वो आदमी का हो या पेड़ का हो, वो कौन लेता है ना, ऑक्सीजन। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन, हमारा आँख में कहाँ पर इमेज फॉर्म होता है ना, रेटिना पर। व्हाट इज मायोपिया, मायोपिया किसी बीमारी को बोला जाता है ना, कैन नॉट सी द डिस्टेंस, वो पास का चीज़ को दिखाई देगा लेकिन दूर का चीज़ को दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मायोपिया। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया वो इसका उलट है, कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट, इसमें देखा कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी लेज हैव एन आईज, एक आँख में हवन आई,
हाउ मेनी लेज, आँख में कितना स्तर होता है ना, तीन। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, बॉडी में कौन सा ब्रेन कंट्रोल करता है मस्कुलर एक्टिविटीज, ना सेरेब्रम। प्लेग इज ए प्राइमरी डिजीज ऑफ प्लेग, को किसी जीव काटने से प्लेग होता है ना रैट। व्हिच द फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी और जूलॉजी का फादर किसको बोला जाता है ना, एरिस्टोटल। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता तो आप क्या कीजिए ना, और एक बार मैं रिपीट करता हूँ आप लोग को चेक करने के लिए कितने याद रहा, आप अच्छे से सुनिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं रिपीट करते हैं क्या कितना याद किया आप लोग। ठीक है दोस्तों, जो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन का अभाव होता है, विटामिन ए। रक्त जमाट बांधने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस विटामिन, विटामिन के। जेरो पैथलेमिया कौन सा विटामिन अभाव से होता है, विटामिन ए। जो हमारा मिल्क पीते हैं हम लोग, इसमें वो प्रॉपर बैलेंस डाइटिंग नहीं है, इसमें कौन सा विटामिन कमी है, आयरन एंड विटामिन सी। जो हमारा दांत से और दांत का जो माढ़ी से क्या ना ब्लीडिंग होने से, ब्लड निकलने से दांत क्या होता है ना, टीथ कॉज डेफिशिएंसी, किसका विटामिन कम से वो होता है ना विटामिन सी। स्कर्वी डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश, जो स्कर्वी डिजीज होता है कौन सा विटामिन से अभाव होता है ना, विटामिन सी। एनीमिया ऑक्वर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डैश, एनीमिया ऑक्वर्स ड्यू टू एनीमिया होता है किस विटामिन का अभाव से ना, फोलिक एसिड का अभाव से। डेफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इज चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का डेफिशियंसी विटामिन डी में होता है ना, रिकेट्स। वॉशिंग ऑफ प्लेट वेजिटेबल रिमूव व्हिच विटामिन, जो हम लोग काट के सब्जी काट के इसका छिलका निकल के हम लोग पानी में रखेंगे तो इसमें क्या वो विटामिन लॉस हो जाता है, इसमें वो विटामिन सी। द विटामिन दैट हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हम लोग का इन्फेक्शन का प्रोटेक्शन करने के लिए जो हम लोग लेते हैं प्रिवेंट, वो क्या है ना, विटामिन सी। व रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए विटामिन सी का जरूरत होता है। द विटामिन मोस्ट रैपिडली डिस्ट्रॉय बाय हीट, ज़्यादा हीट देने से विटामिन जो लॉस हो जाता है, इसका विटामिन का नाम क्या होता है ना, सी। द मेटल व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12, इसको द मेटल जो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ विटामिन B12 में जो मेटल है इसका नाम क्या है ना, कोबाल्ट। केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन, वो स्किन का बीमारी है वो केराटिनाइजेशन किससे वो रोका जा पाएगा, किस विटामिन खाने से, विटामिन ए। रिकेट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग डैश, रिकेट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग डैश, रिकेट्स को हम लोग रोक पाएंगे किस विटामिन खाने से ना, विटामिन डी बा काली फेरेलो। एनुरिन इज अंडर नेम, एनुरिन किसका अदर नेम है ना, B1 का। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द आईज द कलर विजन, आँख में कलर विजन किस होता है ना, कॉर्नस में। ओके, व्हाट पार्ट ऑफ द आई गेट इन्फ्लेमेड एंड बिकेम पिंक जस्ट गेट इनटू कंजक्टिविया, व्हिच पार्ट ऑफ आई इज इन्फ्लेमेड एंड बिकेम पिंक, कौन सा पार्ट आँख का हम लोग का इन्फ्लेम्ड एंड बहुत पिंक लाल जैसा हो जाता है कि कंजक्टिविया। ए मैन विथ कलर ब्लाइंडनेस, जो मैन वो उसको कलर नहीं दिखा देते, विल सी रेड एज डैश, जिसको कलर ब्लाइंडनेस का बीमारी है वो इसको रेड किसे दिखाई देगा ना, ग्रीन दिखाई देगा। रेस्पिराइन इज यूज टू, रेस्पिराइन किसके लिए यूज करा जाता है ना, रेस्पिराइन हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज करा जाता है। ए ब्रेथ टेस्ट यूज बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंक एंड ड्राइविंग इशू, जो ट्रैफिक पुलिस हम लोग को गाड़ी चेक करते हैं वो कौन पी रखा है कौन नहीं पी रखा है, वो क्या चेक करते हैं एक पाइप में, वो पोटासियम डाइक्रोमाइटे सल्फरिक एसिड चेक करता है। टाइफाइड फीवर इज कॉज बाय, टाइफाइड फीवर किसकी विटामिन बा किसी के कारण से होता है ना, बैक्टीरिया के अभाव के, सॉरी बैक्टीरिया का काम से होता है। एडवर्ड इन जेनर इज एसोसिएटेड इन जेनर किसमें ना, चिकन पॉक्स के लिए। राउंड वार्म इज ए ह्यूमन पैराडाइज, फाउंड वो राउंड वार्म है वो ह्यूमन पैराडाइज कहाँ मिलता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है।
द कंजुक्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज, डेंगू फीवर का जो कंजुक्टिव कंजुक्टिव ऑर्गन है वो कहाँ पर होता है ना, वायरस के लिए डेंगू फीवर होता है। 26 नंबर का जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी का फाउंडर कौन है ना, सैमुएल हनेमन। 27 टॉक्सियोलॉजी जी रिलेटेड टू, टॉक्सियोलॉजी किसी को बोला जाता है ना, जो पॉइजन देता है, पॉइजनस। स्टडी ऑफ टीथ, जो टीथ को स्टडी को क्या बोला जाता है, ओडोंटोलॉजी। एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एड्स स्टैंड फॉर, इसका पूर्व एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंस सिंड्रोम। द अदर नेम ऑफ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है ना, लिकोमिया। द अदर द विटामिन इज डिस्कवर्ड बाय, विटामिन किसके माध्यम से डिस्कवर किया गया ना, फंक। पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल को किसको पावर हाउस बोला जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। व्हिच एग इज द लार्जेस्ट साइज, किस जीव का एक सबसे बड़ा है, वो ऑस्ट्रिच एग। व्हिच नेबर सेल इज द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, कौन सा नर्व सेल आदमी का सबसे, व्हिच नर्व सेल इज नॉट लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, वो एनिमल सेल से बड़ा नहीं होगा, वो क्या, ह्यूमन नर्व सेल। द डिजीज इन व्हिच शुगर लेवल ऑफ ब्लड डिक्रीज, जो शुगर लेवल जो ब्लड में है, कौन सा डिजीज में होता है ना, कम जाता है ना, डायबिटीज इंसिपिडस। जॉन्डिस इज ए सिस्टम ऑफ डिजीज ऑफ डैश, जॉन्डिस जो सिस्टम है वो किस, जॉन्डिस इज ए सिस्टम ऑफ डिजीज, कहाँ पर होता है ना, लिवर में। द फास्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वॉज डन बाय, जो पहला आदमी थे जो हार्ट इसका ट्रांसप्लांटेशन किया थे वो सीएन बर्नर बर्नर डांस। येलो फीवर इज ट्रांसपोर्टेड, वो येलो फीवर किसके माध्यम से व्याप रहा है ना, एंडीज। द वेक्टर दैट ट्रांसमिटेड कॉलरा, जिसके माध्यम से कॉलरा व्याप रहा है, वो हाउस फ्लाई, जो घर की माछी है। द डॉग व्हिच हेल्प्स द कंट्रोलिंग फीवर, जो ड्रग्स हम लोग का फेवर मतलब जोर को रखने के लिए हम लोग लेते हैं वो है पैरासीटामोल। द फास्ट एंटीबायोटिक वो डिस्कवर, फास्ट एंटीबायोटिक कौन डिस्कवर किए थे ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 43 क्वेश्चन देखिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस श्वास क्रिया क्या है, कि प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ द इमेज, आँख में कौन कहाँ पर इमेज क्रिएट होता है ना, रेटिना में। व्हाट इज मायोपिया, मायोपिया क्या होता है, कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जाते हैं 46, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। देखिए ये जो मायोपिया बोला, मायोपिया क्या होता है ना, दूर का चीज क्या दिखाई नहीं देगा, लेकिन पास का चीज दिखाई देगा। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है ना, पास का चीज दिखाई नहीं देगा, दूर का चीज दिखाई देगा। हाउ मेनी लेयर्स आ जाए, आँख में कितना लेयर्स है ना, 3। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन, मस्कुलर एक्टिविटीज किस पार्ट ब्रेन में कंट्रोल होता है ना, सेरेबेलम। प्लेग कौन सा जीव काटने से प्लेग होता है ना, रैट। हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी, किसको फादर ऑफ बायोलॉजी जूलॉजी बुलाते हैं ना, अरिस्टोटल को। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आप लोग का अच्छे लगा तो कमेंट शेयर लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। वैसे ऑल द बेस्ट, आप लोग क्या कहते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट बनाए और पढ़ाई कीजिए।